नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा चल रही है और इस बीच जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी गरीब संपर्क यात्रा शुरू हो चुकी है। नवादा से इसकी शुरुआत हुई है और गया में अगला पड़ाव होगा। ऐसे में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। गरीब संपर्क यात्रा पर निकले जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उसके क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी का बयान सुन लेते हैं जो नवादा में उन्होंने दिया है गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत के दौरान। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। गरीब संपर्क यात्रा में हम लोग भक्तियों के प्रति जो बातें छूट जाती हैं समाधान यात्रा में, या तो पदाधिकारी गरीबों के नजदीक जाने नहीं देते या फिर सच्ची बात को सामने नहीं लाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री समाधान उन्हीं को कर पाते हैं जो पदाधिकारी लोग चाहते हैं, तो वैसी समाधान होता है। लेकिन गरीबों का हवाला, जैसे 4-5 डिसमिल जमीन हजारों हजार लोगों को नहीं मिली, जैसे 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए बात होती है वो किसी को नहीं मिली, वो मिलना चाहिए। फिर है इंदिरा आवास में पैसा 25,000-30,000 तक रुपया दिया जाता है, उसके बारे में कोई किसी ने नहीं बताया हमें शिकायत। फिर जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जहाँ 5 सदस्य है पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के साथ। सुन लिया आपने जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी साफ साफ कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा तभी सफल होगी कि जब हम गरीबों के बीच जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे। दरअसल वो समाधान यात्रा की कहीं ना कहीं हवा निकालते भी दिख रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने जो बातें कही कि समाधान यात्रा के दौरान अधिकारी गरीब लोगों को सीएम तक पहुंचने नहीं देते हैं, तो वैसे में मांझी ने जिम्मा संभाला है गरीबों के बीच जाकर, जो सही में जो परेशानी है उनकी परेशानियां सुनकर, उनकी परेशानियों को नोट कर, उनकी परेशानियों को समझकर वो सीएम के सामने रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं तो समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या, ये भी सवाल है। क्योंकि जिस तरह से समाधान यात्रा के बीच में ही, समाधान यात्रा का अंतिम पड़ाव अंतिम दौर चल रहा है, आज से 3-4 दिनों के बाद समाधान यात्रा समाप्त होगी, लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा शुरू हुई है और जिस तरह की बातें जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यात्रा का मकसद है गरीबों को उनका हक दिलाना, इसलिए आप लोग लिखकर अपनी समस्या हमें दीजिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इसे रखेंगे। यदि आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है, चापाकल नहीं है या फिर और कोई समस्या है तो हमें बताइए। मांझी जी ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की थी ताकि उस पर इंदिरा आवास बन सके। यह फायदा मिला कि नहीं मिला ये भी देखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी कि समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार सभी लोगों से नहीं मिल पाते हैं या अधिकारी उन लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, उन लोगों को पहुंचने नहीं देते हैं सीएम तक, तो ऐसे में गरीबों के बीच जा जाकर मांझी समाधान निकालेंगे, समस्याएं सुनेंगे, समस्याओं को सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे। तो खैर, जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकल चुके हैं, इधर समाधान यात्रा नीतीश कुमार की भी जारी है। ऐसे में मांझी ने जिस तरह की बात कह दी है तो आगे क्या कुछ ये बयान सियासी रंग लेता है, क्योंकि जिस तरह से मांझी बयान दे रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाधान यात्रा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।